नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर अनूप दळवी, अध्यक्ष हिंदी विभाग RBNB कॉलेज श्रीरामपुर। आज हम SYBA इस कक्षा में S2 अर्थात बिहारी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। उनमें से बिहारी की अलंकार योजना इस विषय के अंतर्गत हम अपने विचार अभिव्यक्त करेंगे। बिहारी के अलंकार योजना रीति काल के सबसे बड़ी विशेषता यह दिखाई देती है कि इस युग के सभी कवियों ने चमत्कार प्रदर्शन एवं वाक चातुर्य तथा वाणी कौशल दिखाने का प्रयास किया है तथा रीति काल के कवियों की यह प्रवृत्ति रही है। इसके लिए प्रायः सभी कवियों ने अलंकारों का सहारा लिया है। वैसे भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के मतानुसार अलंकार वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां हैं, कहने का खास खास ढंग है। अतः इन कवियों ने एक ही बात को भिन्न भिन्न ढंग से तथा अलग अलग रीति से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। अलंकारों का सहारा सभी कवियों ने लिया है। इस क्षेत्र में बिहारी ने सबसे अधिक कौशल दिखाया है, क्योंकि छोटे दोहों में अलंकारों के सहारे अद्भुत उक्ति के साथ साथ अनुपम भावों की सृष्टि बिहारी ने की है। बिहारी ने प्राय सभी अलंकारों में भाव प्रेषण में अन्य सभी कवियों की अपेक्षा वह सफल सिद्ध हुए हैं। इनमें से बहुधा भावानुकूल अलंकारों का ही उन्होंने प्रयोग किया है और बिहारी का प्रत्येक दोहा अलंकारों के अनुपम सौंदर्य से ओतप्रोत है। यद्यपि बिहारी के दोहों में अलंकारों के कारण चमत्कार प्रधानता दिखाई देती है तथा चित्रोपमता का अभाव दिखाई नहीं देता। बिहारी के प्रत्येक दोहे पर बड़े ही सुंदर और सजीव चित्र का निर्माण हुआ है। बिहारी की अलंकार योजना को सुविधा की दृष्टि से चार भागों में विभक्त किया जाता है। एक सादृश्यमूलक अलंकार, संभावनामूलक अलंकार, चमत्कारमूलक अलंकार, अतिशयमूलक अलंकार। इनमें से प्रथम सादृश्यमूलक अलंकारों में सादृश्य की प्राधान्यता होती है। यह सादृश्य उसके भी तीन प्रकार माने गए हैं, रूप सादृश्य, धर्म सादृश्य और प्रभाव सादृश्य। बिहारी ने तीनों प्रकार के सादृश्यों का सहारा लेकर बड़े ही सुंदर और सजीव अलंकारों की योजना की है। इन सादृश्यों के आधार पर बिहारी ने कहीं नायिका के नेत्रों से हिरणी के नेत्रों की समता तथा समानता दिखाई है और बिहारी ने हिरणी के नेत्रों से भी बढ़कर नायिका के नेत्र कहकर व्यतिरिक्त अलंकारों का जो प्रयोग है वह प्रयोग अपनी भाषा में उन्होंने किया है। कहीं नारी की समता नागिनी से करकर सुंदर पूर्णोपमा अलंकारों का प्रयोग बिहारी ने किया है। कहीं डोटी में गड्ढे का, नैनों में बटोही का, चिलक में चौद का, रूप सौंदर्य में ठग का और हंसी में फांसी का आरोप करके सांग रूपक अलंकारों का प्रयोग बिहारी ने अपने दोहों में किया है। इनमें से प्रथम उदाहरण की उदाहरण जो है वह सादृश्य का है, दूसरा उदाहरण धर्म सादृश्य का है, तीसरा उदाहरण क्रमशः प्रभाव सादृश्य का है, क्योंकि डोढ़ी और गड्ढे में, नयन और बटोही में, रूप और ठग में न तो कोई रूप साम्य है न कोई धर्म साम्य दिखाई देता है। अर्थात बिहारी ने अपने दोहों में अलंकारों का अत्यंत कुशलता के साथ प्रयोग किया है। संभावनामूलक जो अलंकार है उस अलंकारों में बिहारी ने उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग करते हुए बड़ी दूर की उड़ान भरने का प्रयास उन्होंने किया है। एक दोहे में कहा है, नायिका के नेत्र पर हीरा जड़ी बेंदी देखकर ऐसा जान पड़ता है मानो पूर्ण चंद्रमा ने अपने बुध को गोद में लिया हो।
ऐसे ही दूसरे दोहों में बिहारी ने श्वेत साड़ी से ढका उनके कानों में हिलता हुआ तरियों ना दिखाकर उत्प्रेक्ष अलंकारों की सृष्टि की है। मानो प्रातःकाल का सूर्य प्रतिबिंब गंगा में हिलते हुए वह जल पड़ा हुआ हो। ऐसे ही अनेक दोहे बिहारी के लिए जा सकते हैं जिनमें बिहारी ने दूर की कौड़ी लाकर अपने गहन सूझबूझ एवं दुरारूढ़ कल्पना का परिचय अपने दोहों में दिया है, अर्थात संभावनामूलक जो अलंकार है उनकी अत्यंत सुंदर सृष्टि बिहारी ने की है। दूसरा चमत्कार मूलक अलंकार। चमत्कार मूलक अलंकारों में से बिहारी ने कही तो द्रोगों के उलझने पर कुटुंब को टूटता हुआ, चतुरों के चित्त में जुड़ता हुआ और दर्जनों के हृदय में गांठ पड़ती हुई दिखाकर सुंदर असंगति अलंकार का प्रयोग किया है। कहीं तंत्रीनाथ कवित्व का रस, सारस राग और रति रंग में अदब बूढ़ों को डूबते हुए और पूर्ण रूप से डूबे हुए को तड़पते हुए दिखाकर बड़े ही सजीव विरोधाभास अलंकार का प्रयोग बिहारी ने किया है। कहीं दूसरों की नजरों से बचने के लिए नायिका के मुख पर लगी हुई डिठोना को दिखाकर और अधिक दूसरों की नजर पड़ने का वर्णन करते हुए बिहारी ने बड़े ही सरस विषम अलंकार का प्रयोग किया है। अतिशय मूलक अलंकार। बिहारी ने अतिशय मूलक अलंकारों के द्वारा ऊंची उड़ान भरते हुए कहीं कहीं विरह वेदना के अधिक की बड़ो मनोरम व्यंजना उन्होंने की है। इस विरह विवल नायिका के ऊपर गुलाब जल की शीशी औंधा देने पर गुलाब जल बीच में ही भाप बनकर उड़ जाता है तथा सूख जाता है, वह नायिका तक पहुंच नहीं जाता। अतः इन प्रयोगों के द्वारा अतिशयोक्ति अलंकार के द्वारा विरहने की विरह के ताप की जो अतिशयता है उसका अत्यंत मार्मिक चित्रण बिहारी ने किया है। ऐसे ही बिहारी ने विरहनी को ग्रीष्म का अनुभव करते हुए तथा ऐसी अतिशयोक्ति में बिहारी ने अतिशयता मूलक अलंकारों के द्वारा भावों को उद्दीप्त करते हुए काव्य सौंदर्य की वृद्धि में अपना योग प्रदान किया है। संक्षेप में इस प्रकार कहा जा सकता है, बिहारी की अलंकार योजना में कहीं कहीं भले ही चमत्कार प्रियता एवं दुरारूढ़ कल्पना मिलती है, फिर भी उनमें सरसता एवं भावात्मकता पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है तथा विद्यमान है। बिहारी के अधिकांश अलंकार भावानुकूल होने के कारण अतिशयोक्ति मूलक अलंकार होने पर भी भावाभिव्यंजना में सहायक सिद्ध हुए हैं। बिहारी ने भाव चित्रण की अपेक्षा रूप में चित्रण के लिए अलंकारों का अधिक मात्रा में प्रयोग किया है। इसी में बिहारी को सर्वाधिक सफलता प्राप्त हुई है, किंतु अलंकारों के द्वारा बिहारी का भाव चित्रण भी पर्याप्त आकर्षक और प्रभाव उत्पादक है। अतः बिहारी ने अपनी भाषा में अलंकारों का अत्यंत सफल प्रयोग किया है। धन्यवाद।